खबर शामिल करते हैं। साहिब माल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम रहनुमा हरदिल अजीज नायब सदर चेयरमैन सरदार कैसर स्वीट्स ग्रुप ऑफ कंपनी अलहाज मियाँ कैसर सरदार रामे एन ए 142-198 पीपी साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर चेयरमैन बिन शफीक ने कहा कि वैलेंटाइन डे इस्लामी और मशरकी इतार और रवायत पर बहुत बड़ी यलखार है। करार देते हुए कहा कि बेहयाई किसी भी कौम की गैरत को ख़त्म कर देती है और कौमों का वजूद गैरत से बरकरार रहता है। अगर गैरत खो जाए तो कौमें भी अपना वजूद खो देती हैं और कौमें तबाह बर्बाद होकर रह जाती हैं। इस्लामी ममालिक में वैलेंटाइन डे के नाम पर बेहयाई को आम किया जा रहा है। हम मनहसल कौम इतने बेहस हो चुके हैं कि अपनी रवायत को छोड़कर मगरबी रवायत को आम करने में पेश पेश हैं, जिसके नतीजे में आज हम पर मैदान में नाकामी का मुँह देखने पर मजबूर होते जा रहे हैं। जब तक अपनी रवायत को नहीं अपनाएंगे इस वक्त तक सुरखरू होना मुमकिन नहीं हो सकता। इन हालात का इजहार मियाँ कैसर सरदार रामी शेख अब्दुल हसीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। ना जो बने वो तूफान, आ जा बने वो तूफान, आ जा चले ऐसा सफर के तेरी मंजिल भी सलाम। ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को कई नींद की हराम। सारा खून पसीना और ये जान जुनून के नाम। बैट्समैन इज गॉन एंड दैट टिपिकल सेलिब्रेशन। व्हाई नॉट मेरी जान।